भाजपा की ओर से जिला पठानकोट स्थित अपने कार्यालय में एडवर्टाइजमेंट कंपनी के खिलाफ प्रेस वार्ता की गई। इस प्रेस वार्ता में जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष व नॉर्थ मंडल प्रभारी नरेश वडेरा, मंडल अध्यक्ष रोहित पुरी, शमशेर ठाकुर के अलावा कई भाजपा नेता उपस्थित रहे। वहीं उन्होंने पठानकोट की एक निजी एडवर्टाइजिंग कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि कंपनी द्वारा लोगों से अवैध वसूली की जा रही है। वहीं कंपनी द्वारा भाजपा जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर को 20 लाख का नोटिस भी जारी किया गया। वहीं नरेश वडेरा व योगेश ठाकुर ने कहा कि शहर में नाजायज रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं को तंग परेशान किया जा रहा है, मगर भाजपा अपनी आवाज़ ऐसे ही बुलंद करती रहेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस इस करके है कि पठानकोट के व्यापारियों को, पठानकोट की जनता को एक गलत एडवरटाइजमेंट की कंपनी झूठे कागज़ दिखा के लुट रही है। और वो कह रही है कि मेरे को नगर निगम का ठेका है कि एडवरटाइजमेंट का, जबकि वो नगर निगम उसको डिनाई कर रहा। वो वास्ते ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसे कि मैं पेपर दिखा रहा, रूरल एडवरटाइजर है, ये लोगों को पैसे लै रहे, ये 8,000 की रसीद कट्टी है। और यह रसीद के एवज से जो उन्होंने कहा कि तुहाडे कोल ठेका हैगा, तो उन्होंने ये सरकारी लैटर दिखाई है कि ये पंजाब नगर पठानकोट नगर निगम ने उन्होंने ठेका जड़ा 19 तक सी वो 22 तक बढ़ाता, जबकि जड़ा प्रेजेंट ठेका हैगा वो लीड वाले को इकरार की कापी है, वह जड़ा कि लोगों झूठ बोल के लुट लिया और लोगों गुमराह करके पैसे लाए। और यह जरा पैसा नगर निगम के अंदर जाना सी, लोगों की डिवेलपमेंट उत्ते खर्च होना सी, और ये पैसा एक व्यक्ति की जेब च हेराफेरी के नाल जा रहा, उदे नाल पठानकोट की जनता का भी नुकसान है, और ये पूरा सरकार की नक् के थले हो रहा। ना तो कमिश्नर साहब ये कुछ बोल रहे हैं, ना MLA साहब और ये कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि मैनू लगता कि चाहे कि MLA साहब के शैल्टर नहीं इन्होंने दिते दा यहोजे ठगा, क्योंकि पठानकोट के अंदर यहोजी लुट्टबाजी बर्दाश्त नहीं किया जी। पठानकोट एक शरीफ और भलामानस शहर है, और जड़ा के जिन्हों इस तरीके लुट के गुजारा नहीं चल सकता। और नगर निगम इन कहता साडा है नहीं, अज तक कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही उन्होंने इस चिट्ठी के बारे दस रहे हैं। वो कहते जवानी जवानी कहते कि साड़ी तो है नहीं है चिट्ठी, असी वो बारे उन्होंने लैटर भी अज पा रहे हैं कि कंप्लेंट भी कर रहे हैं कि ये बारे सानू पूरी जानकारी दी जाए, और इस बंदे दे खिलाफ़ जड़ा के पैसे नू खुर्द बुर्द कर रहा उस बंदे का पूरी जाँच हो गए और खिलाफ़ FIR दर्ज की जाए, और ये जड़ा लोगों का पैसा वो को पूरा वसूलिया जाए। और 2019 तो 1 अप्रैल 2019 तो लैके अज तक ये लखां रुपया इन्हें इकट्ठा किया होएगा, और यदि पूरी जांच की जाए, और ये पिछे कड़ी शक्ति है, कड़ी पावर है जी इनू इस काम करने वास्ते इन्नी हौसला दे दिता कि पठानकोट की जनता नू और सरकार के पैसे नू इस तरीके लुट लवे। क्योंकि चाहे तो ये संरक्षण प्राप्त है राजनीतिक लोगों का, चाहे कौंसल के उच्च अधिकारियों का इन्हों कोई मिली भगत है, जिस करके ये हो रहा। किस तरीके नगर पालिका की यह चीज़ को दिखाया जा सकता नगर निगम की कि यह सानू लैटर है, उन्होंने उसके बारे उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। लगातार 4 साल तो जेडे भ्रष्टाचार के नए नए आयाम नए नए खिताब मिल रहे हैं साढ़े विधायक जी को, एक नया आयाम जिस तरह कि तुसी माइनिंग का भ्रष्टाचार, शराब माफिया का भ्रष्टाचार, लैंड माफिया का भ्रष्टाचार, होर कई तरह के भ्रष्टाचार जड़े जुड़ते गए खिताब इस सरकार दे विच, साढ़े जिले दे विच तहसील का भ्रष्टाचार एक नया खिताब मिलिया थोड़े दिन पहले, पूरी तहसील के उत्ते कब्जा हो गया। उस तरीके नाल ऐड जड़ा है एजेंसी ऐड माफिया का भी एक खिताब जड़ा है वो इन्हां नूं मिलिया है साढ़े विधायक जी नूं, क्योंकि क्लीयर कट उन्हां दे पड़ोसी है बंदे, वो उन्हां नूं शेल्टर करते हैं, तो जो कोई जनता वास्ते उन्हां कोलो सवाल पूछता है तो वह कहें भी लिखती शिकायत नहीं आई, जबकि बिना लिखित पढ़त दे 307 की FIR दर्ज करवा देंगे है। तो अगे असी यह पूछते हैं, जो असी एक नागरिक होने के नाते शहर के लोगों की आवाज़ चुकी तो 20 लाख का नोटिस जी रुबूल एड एजेंसी है उन्हें मैनू भेजा कि भी या तो 20 लाख रुपया सानू दे दौ, तो या फिर लिखती माफ़ीनामा मंगते हो, उस दे बारे तुहानू दसना चाहवांगे कि भी उन्हें एक फेक जड़ी है वो
परमिशन कारपोरेशन की यूज़ करके जिदे एविडेंस के पेपर भी तुहानू दिखाते हैं 2022 तक प्लस लोगों को वॉल प्रिंटिंग दे प्लस लोगों को जड़े होर्डिंग लग रहे उन्होंने भी जड़े है फोर्सिबली धक्काशाही गुंडागर्दी करके आलम है कि गुंडा तत्व जड़े है वह सानू लीगल नोटिस भिजवा रहे हैं कि भी असी अपनी आवाज़ बुलंद कर ना करिए तो थोड़े माध्यम राही दसना चाहवागे यह नोटिस जड़े इन्हों का जवाब तो असी कानूनी रूप से साडे वकील साहब देंगे बाकी भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता जड़ा है वो अपनी जी आवाज़ हमेशा बुलंद रखेगा लोगों वास्ते लोगों के नो इंसाफ दवा वास्ते लोगों की हक की जी है रक्षा करने वास्ते तुहानू क्लीयर कट दस दिए तो साड़ी प्रशासन अगे मंग है कि जी फेक या तो रुबूल गै जी एड एजेंसी है वो पेपर सही है तो या फिर वो जी लीड एजेंसी है उन्होंने पेपर सही है क्योंकि कमिश्नर साहब के साइन है बड़ा सीरीयस मैटर है करोड़ों रुपए का घपला काफ़ी सालों तो हो रहा है काफ़ी सारी पर्चियां साढ़े को आ गई एविडेंस दियाँ कि जिदे इन्होंने पर्चियां कट कट के लोगों को फोर्सिबली पैसे ले हैं यह कहें असी प्रिंटिंग प्रेस के पैसे लेंगे सिर्फ यह जी है एड के पैसे लोगों को गुंडागर्दी करके लै रहे हैं रेहड़िया वाले को लै रहे हैं दुकानदारों को जोड़े अपने होर्डिंग लगाए थे उन्होंने अपने एड के उन्होंने को पैसे लै रहे हैं फिर उत्तों लीगल नोटिस सानू भिजवाते हैं तो प्रशासन अगे मंग है डीसी साहब न असी पेपर भेजते हैं डीसी साहब को भी मंग है क्योंकि साढ़े कमिश्नर है डीसी कम कमिश्नर है उन्होंने अगे मंग है सुरेंद्र जी अगे भी मंग है तो विधायक जी अगे भी मंग है तो इन राइटिंग भी असी यदी कंप्लेंट करांगे कि यह जरा मैटर है इस आदमी जरा है रुबूल एड एजेंसी जे पेपर गलत है तेरे उत्ते बनती सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए यदि विजिलेंस इनकुआरी करवाई जाए पिछले 2-2.5 साल तो जड़ा भ्रष्टाचार के शामिल जो जो अफसर है जो जो कोई पॉलिटिशियन है वो खिलाफ़ बनती सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। जय हिंद जय भारत।